नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है काश और आप सभी देख रहे हैं न्यूज रिमार्क। आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ वेबसाइट के लिए आप कैसे अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को सेफ रख सकते हैं ताकि आपका फ्यूचर में गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल ना हो। तो अगर आप वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को बिल्कुल सेफ रखना तो ये वीडियो देखते रहिए। ओके दोस्तों, जो सबसे पहली चीज है और जो सबसे मेन चीज है गूगल एडसेंस अकाउंट को डिसेबल होने से बचाने के लिए, वो है सीटीआर। आपको ये देखना पड़ता है आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में सीटीआर क्या चल रहा है। अगर आपकी वेबसाइट पे या फिर आपके यूट्यूब चैनल के गूगल एडसेंस अकाउंट पे सीटीआर चल रहा है 10% से ज्यादा, तो आप ये लेके चलिए आपका गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो सकता है। और ये CTR अगर आपका 3 या फिर 4 दिनों के लिए चल रहा है तो आप मान के चले आपका 101% गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो गाइस, बचने के लिए काफी सिंपल है। आपको नॉर्मली गूगल एडसेंस टीम को बताना पड़ता है कि मेरा CTR काफी ज्यादा जा रहा है, प्लीज उसे एक बार चेक कर ले, मेरे पेज व्यूज काफी ज्यादा जा रहे हैं, क्लिक्स कहीं कहीं से आ रहे हैं। तो नॉर्मली आपको ये बताना पड़ता है मेरे गूगल एडसेंस अकाउंट पे हो सकता है कि ये इनवैलिड एक्टिविटी हो। तो हम नॉर्मली गूगल एडसेंस टीम को अगर बता देते हैं तो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट टोटली सेफ हो जाता है। चलिए, ये तो बात रही मैन्युअली की जो कि आप खुद कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ प्लगइन्स। अगर आप इन प्लगइन्स को आप यूज करेंगे तो गाइस आई अश्योर यू गाइस आपकी वेबसाइट पे जो CTR रहेगा वो रहेगा 10% से कम। और अगर आपको कोई फ्रेंड है जो जिसको आपकी वेबसाइट पता है और वो नॉर्मली आपकी वेबसाइट पे जाके गूगल एडसेंस की ऐड पर क्लिक करता रहता है तो उस केस में ये प्लगइन्स यूज होने वाले हैं। तो होगा क्या इन प्लगइन से, आपका गूगल एडसेंस का CTR अकाउंट बिल्कुल मेंटेन रहेगा। सपोज मैं करता हूँ, आपका कोई फ्रेंड आपकी वेबसाइट पे आया है और उसने एक गूगल एडसेंस की ऐड पर क्लिक कर दिया है, तो अगर वो दूसरे दिन आता है तो उसको वो गूगल एडसेंस की ऐड शो ही नहीं होगी। तो गाइस बेसिकली आप काफी हद तक काफी सेफ रहेंगे और आपके पास कोई भी इनवैलिड एक्टिविटी नहीं आएगी गूगल एडसेंस की तरफ से। तो मैं आपको बताने वाला हूँ वो प्लगइन कौन सा है और इसे आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे चलना पड़ेगा मेरे लैपटॉप के थ्रू। ओके गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपने लैपटॉप पे आ चुका हूँ। डायरेक्टली चलते हैं वर्डप्रेस की तरफ। तो जो सबसे पहला प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है वो है एडसेंस क्लिक फ्रॉड मॉनिटर। तो ये प्लगइन का डेमो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे नॉर्मली अपने वर्डप्रेस के अकाउंट में इंस्टॉल करना है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इंस्टॉल प्लगइन्स में चलते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल है जिसका नाम है एडसेंस क्लिक फ्रॉड मॉनिटर। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्लगइन को आपको यूज़ कैसे करना है। यूज़ करना बेसिकली काफ़ी सिंपल है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है एडसेंस क्लिक फ्रॉड मॉनिटर की सेटिंग्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एडसेंस क्लिक फ्रॉड मॉनिटरिंग की बेसिक सेटिंग मिल रही है यहाँ पर प्लगइन की। तो जो सबसे पहली सेटिंग है वो है क्लिक लिमिट की। तो यहाँ पर मैंने सेट करी हुई है 2, यानी कि कोई यूज़र अगर मेरी वेबसाइट पर आता है और वो 2 बार अगर मेरी गूगल एडसेंस की ऐड पर क्लिक कर देता है तो 3rd time उसको गूगल एडसेंस की ऐड ही शो नहीं होंगी। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो दूसरा ऑप्शन है डे लिमिट, जो कि मैंने 7 यहाँ पर सेट करी हुई है। यानी कि अगर कोई पर्सन मेरी वेबसाइट पर आकर 2 बार क्लिक कर देता है तो 7 days तक उसको मेरी वेबसाइट पर गूगल एडसेंस की ऐड्स ही शो नहीं होंगी। ओके, थर्ड ऑप्शन में आपको यहाँ पर बेसिक ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है। उसके बाद इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। कस्टम क्लास में आपको लिखना है माई आर्ट्स। उसके बाद चलते हैं, आपको अपनी IP ब्लॉक करनी पड़ेगी। कैसे होता क्या, अगर आप नॉर्मली अपने कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं अपना वर्डप्रेस अकाउंट और बाय चांस अगर आपकी वेबसाइट की गूगल एडसेंस की ऐड पर आप गलती से क्लिक कर देते हैं तो वो एक टोटली इनवैलिड एक्टिविटी काउंट होती है। तो सबसे पहले आपको अपनी IP यहाँ पर ब्लॉक करनी पड़ेगी। IP ब्लॉक करने के लिए नॉर्मली आपको गेट माई IP एड्रेस पे आपको क्लिक करना है। तो आपका यहाँ पर IP एड्रेस आ जाएगा नॉर्मली। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद आपको इस कोड को डायरेक्टली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं आपके लिए एक टेक्स्ट फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो ये रहा कोड जो अभी हमने कॉपी किया है। इस कोड के बीच में आप देख सकते हैं एडसेंस कोड हेयर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो भी आपका गूगल एडसेंस का कोड है उसको आपको डायरेक्टली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद उसको यहाँ पर आपको प्लेस कर देना है। चलिए प्लेस कर देते हैं, Ctrl+V। तो अब आपका ये पूरी कोडिंग यहाँ पर रेडी हो चुकी है और ये कोडिंग, ये गूगल एडसेंस अकाउंट इनडायरेक्टली इस प्लगइन से कनेक्ट हो चुका है। तो जहाँ पर भी आप इस ऐड को प्लेस करना चाहें आप इस ऐड को प्लेस कर देते हैं। इसको डायरेक्टली आपको कॉपी करना है। जहाँ पर भी आप चाहें आप विजेट में प्लेस कर सकते हैं, हेडर फुटर जहाँ पर भी आप चाहें
आप प्लेस कर सकते हैं। AdSense कोडिंग सेम रहेगी, बस आपका जो मॉनिटरिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे प्लगइन की। गाइस इस प्लगइन को यूज़ करें और ये प्लगइन काफ़ी सिंपल है। और दूसरा प्लगइन के बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उसके लिए मुझे चलना पड़ेगा दोबारा प्लगइन्स की तरफ। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे प्लगइन की जो रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुआ है 5 महीने पहले, वो है AdSense इनवैलिड क्लिक प्रोटेक्टर। तो नॉर्मली ये प्लगइन बिल्कुल फ्री है, वर्डप्रेस पे आप सर्च करें और इसे इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना है इसकी सेटिंग्स पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं प्लगइन की सेटिंग में आ चुका हूँ और ये सेटिंग भी बिल्कुल बेसिक सेटिंग है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका सेट द एड क्लिक लिमिट, तो यहाँ पर आपको नॉर्मली 2 टाइप करना है। दूसरा है आपका टाइमर ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है 5 आवर्स या फिर आप उससे भी ज़्यादा जा सकते हैं। ओके, ड्यूरेशन आपको टाइप करनी है 7 डेज। उसके बाद अगर आप कोई प्रो लेवल यूज़ कर रहे हैं, इसका प्रो वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, तो नॉर्मली आप येस करके यहाँ पर आप की डाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिक कंट्रीज़ में आपकी गूगल AdSense की एड शो ना हो, तो आप इस प्लगइन से उसे मेंटेन कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको यहाँ पर येस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है दिस वेबसाइट पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हर कंट्रीज़ के सारे कोड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जिस भी कंट्री में आप चाहते हैं कि आपकी गूगल AdSense की एड शो ना हो, तो उसका कोड आपको यहाँ पर डालना है। और जितनी भी कंट्री आप चाहें नॉर्मली आप कॉमा कॉमा करके आप डाल सकते हैं। और नॉर्मली आपको क्लिक करना है सेव सेटिंग्स पर। यही एक बेसिकली बेस्ट मेथड है वेबसाइट पे गूगल AdSense अकाउंट को डिसेबल होने से बचाने का। और अगर आप इन दोनों प्लगइन को यूज़ करेंगे तो आई अश्योर यू गाइस जो आपका CTR है वो भी काफ़ी अच्छा मेंटेन रहेगा। सो फाइनली आई होप गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो। और अगर आप चाहते हो आप इसी तरह की काफ़ी सारी वीडियो से अप टू डेट रहे, तो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंड गाइस मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा अगर आप वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं तो इन प्लगइन्स का आप डेफिनेटली यूज करें, ताकि आपका गूगल AdSense अकाउंट बिल्कुल सेफ रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।